नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री भगवान और उद्धव के बीच संवाद हुआ है, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन और श्री भगवान के बीच संवाद है, प्रश्नोत्तरी है, वैसे ही एकादश स्कंद उद्धव और श्री कृष्ण के बीच प्रश्नोत्तरी में प्रस्तुत हुआ है। तो इस रहस्य को जानने वाले विद्वान लोग भागवत के 11वें स्कंद को उद्धव गीता भी कहते हैं। जैसे भगवत गीता है भगवान की वाणी, वैसे उद्धव के प्रति भगवान ने उपदेश किया है। जब श्री भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर अपने नित्य धाम गोलोक जा रहे थे, तो उस समय अपने भक्तों के लिए कुछ विशेष संदेश दिए हैं। वही है एकादश स्कंद की समरी है, संक्षेप में है, वह है श्रीमद् भागवतम। और श्री भगवान उस श्रीमद् भागवतम का उपदेश करके अपने आप को उस ग्रंथ के अंदर सन्निहित किए और उद्धव को कहे, हमारे बाद यही ग्रंथ भक्तों का पोषण करेगा, उनके भक्ति का पोषण करेगा, हमारे सान्निध्य की अनुभूति कराएगा, हमारे संग का अनुभव भक्त लोग करेंगे इस भागवत को प्राप्त करके। तो यद्यपि संपूर्ण भागवत भगवान का संदेश है, लेकिन एकादश स्कंध मुख्य रूप से उद्धव के प्रति दिया गया ज्ञान का सारांश है, संक्षिप्त सूत्र है। तो जितना महत्वपूर्ण भगवान के संदेश है, उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। भगवद गीता में अर्जुन के कुछ विशिष्ट प्रश्न हैं, जिनका उत्तर भगवान देते हैं, वैसे ही उद्धव जी का प्रश्न है, उद्धव जी की जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को श्री भगवान समाधान करते हैं। तो हम एक श्लोक की चर्चा करेंगे जिसमें उद्धव जी ने जिज्ञासा की है, और इसको इसलिए कि हम जिज्ञासु कृष्ण भावना भावित भक्तों की, जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की भावना है, वो किस मानसिकता में होनी चाहिए, अपने को किस रूप में रियलाइजेशन होना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए, ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें। तो एकादश स्कंद के 19वें अध्याय के 10 नंबर के श्लोक में उद्धव जी श्री भगवान से पूछते हैं। समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो इसको अच्छे ढंग से व्याख्या करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय चाहिए, लेकिन ठीक आधे समय में इसको कहना है, कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको समझ सकें। उद्धव जी पूछते हैं, दष्टम जन्म संपतितम विलेश्मिन काला हिना क्षुद्र सुखो रुतर्षम समोधरैनम कृपया पवर्गई बचो विराशिंच महानुभाव। उद्धव जी कहते हैं कि हे महानुभाव, हे महापुरुष, यह आपका जन्म या आपका ही परिकर, आपका अंश, सभी जीव भगवान के हैं। ममई वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन। हम सभी के ओर से बड़े ही विनम्र भाव में उद्धव जिज्ञासा करते हैं कि दष्टम जन्म, यह जन्म दृष्टित हो गया है, डस लिया गया है, इसको
एक विषैला सर्प डस लिया है। जैसे किसी व्यक्ति को विषधर सांप काट लिया हो और उसके शरीर में विष व्याप्त गया हो, ठीक वही दशा हमारी है। दस्तम जन्म संपतितम, सांप डस लिया है और हम गिर चुके हैं, पतित हैं। कहाँ गिरे हैं? बिलेस्मिन, अस्मिन बिले, अस्मिन मतलब इस संसार रूपी बिल में, इस संसार रूपी कुएं में हम गिर चुके हैं और हमको सांप डस लिया है। कौन सांप? काला हिना, काल रूपी अही, काल रूपी सर्प ने हमको डस लिया है। काला हिना या काल रूपी सर्प हमको डस लिया है। इसलिए हे प्रभु, हे महानुभाव, क्षुद्ध सुखो रुतर्ष, हमको बहुत तेज प्यास लग गई है। तर्स कहते हैं तरास को, जब गर्मी के दिन में काफ़ी धूप में चलने के बाद पानी नहीं मिलता, समय पर प्यास लगने पर पानी जब नहीं मिलता है तो बाद में पानी पीने के बाद प्यास जाती नहीं है, पेट भर जाता है, लीटर दो लीटर तीन लीटर पी लेते हैं लेकिन मुंह सूखा रहता है, लगता है कि अब पानी चाहिए। फिर पीते हैं, थोड़े ही देर में लगता है अभी पानी चाहिए। तो यह धूप के प्रभाव से ये दशा होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव जब शरीर में होता है तब प्यास लगती है, उस प्यास को तरास कहते हैं। प्यास नहीं, तरास, तरास, बार बार प्यास लगे उसको तरास कहते हैं। ठीक वही स्थिति होती है जब सांप डस लेता है और उसका विष शरीर में व्याप्त होता है। शरीर में सांप के विष की गर्मी जब होती है तो बहुत तेज प्यास लगती है और उस समय पानी नहीं पिलाया जाता। पानी पिलाने से विष और ज़्यादा व्याप्त करेगा और जल्दी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस रहस्य को जानने वाला व्यक्ति पानी नहीं देता है, वो कहता है पानी पानी, लेकिन पानी दिया नहीं जाता है। उसको कुछ औषधि दी जाती है या मंत्रों से उसको झाड़ लगाया जाता है, उसका विष उतारा जाता है। तो कहते हैं उद्धव जी कि काल रूपी सर्प ने हमको डस लिया है, इसलिए हमको तरास लग गई है। कैसा तरास? क्षुद्ध सुखो रुतरसम, छोटे छोटे सुख का तरास है। क्षुद्र, क्षुद्र माने बिल्कुल नगण्य, जिसका कोई वैल्यू हमारे मनुष्य जीवन में नहीं है, ऐसे विषयों की तरास है। चाह है, हमको यह चाहिए, हमको वह चाहिए, इसका तरास लग गया है और मिलने के बाद भी तरास शांत नहीं होता है। अगर चाहिए तो मिल गया, ठीक है, हमको पत्नी चाहिए, विवाह हो गया, शांत हो जाओ, इसे नहीं होता है। अभी धन चाहिए, अभी पुत्र चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी सम्मान चाहिए, बहुत से तरास है। क्षुद्र सुखो रुतरसम, छोटे छोटे का तरास। इसलिए हे महानुभाव समुद्धरैनम, आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए, निकालिए इस बिल से, इस कुआं से हमको निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो उद्धव जी कहते हैं कृपया, कृपा करके निकालिए। अपवर्ग बचो भी आसिंच, जो आध्यात्मिक शब्द है, जो भगवान से संबंध रखने वाली भगवत कथा है, उसको कहते हैं अपवर्ग बचो भी। अपवर्ग के बाणी से, अपवर्ग के शब्दों से हमारा इलाज कीजिए, हमको सींचिए। अपवर्ग बचो भी आसिंच, जब सर्प डस देता है तो पानी नहीं पिलाया जाता लेकिन पानी गिराया जाता है सिर पर, सिर पर कपड़ा रख करके ठंडा पानी गिराया जाता है, उसको अभिषेक कहते हैं। आसिंच, इतना पानी गिराया जाता है कि शरीर पूरा ठंडा हो जाए, एक दो बाकेट नहीं सैकड़ों बाकेट पानी गिराया जाता है, तब विष शांत होता है, उसको अभिषेक कहते हैं। आसिंच, सम्यक रूप से आसिंच सींचिए हे महानुभाव, हे श्री कृष्ण, हे हमारे परम हितैषी, हमारा उद्धार कीजिए और अपवर्ग वाणी से हमारा सिंचन कीजिए
अपवर कहते हैं स्पिरिचुअल जगत को और पवर कहते हैं प्राकृतिक जगत को। पवर्ग जैसे व्यंजन में कवर्ग, खवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग ये सब चीज है। एक समूह को क ख ग घ ङ इसको कवर्ग कहते हैं, छ छ ज झ इसको चवर्ग, टवर्ग वैसे प फ ब भ म इसको पवर्ग कहते हैं। तो इस संसार में पवर्ग है, लेकिन इससे भिन्न जो अप्राकृत जगत है उसमें पवर्ग नहीं है, वह अपवर्ग है। पवर्ग का अर्थ है प मतलब परिश्रम, केवल स्ट्रगल, केवल परिश्रम करना पड़ता है इस संसार में। किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को प्राप्त करने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है। इस जगत में परिश्रम है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, शांत नहीं है, परिश्रम करता है। उसको इलेक्शन जीतने के लिए कितना परिश्रम, अगर वो पद मिल भी गया तो परिश्रम, वो बैठा सोया नहीं है। सभी लोग यहाँ परिश्रम कर रहे हैं, किस सीमा तक परिश्रम करते हैं, जैसे तांगा गाड़ी में खींचने वाले घोड़े को फेन आ जाता है, खींचते खींचते गाज मुंह में आ जाता है, वहाँ तक परिश्रम। फ माने फेन, फेन आने तक परिश्रम, बहुत ज़्यादा परिश्रम। टिफिन रखा हुआ है लेकिन दुकान में इतना भीड़ है, ग्राहक को हटाने में खा नहीं पाते हैं, इतना परिश्रम। खाने का शुद्ध नहीं, सोने का शुद्ध नहीं, केवल परिश्रम परिश्रम, काम काम, उसको फ कहते हैं, फेन फेन आने तक। अच्छा, फिर प्रश्न होता है ये सब किस लिए करते हैं। ब माने व्यर्थ, किसी मतलब का नहीं, फालतू। खूब पैसा कमा लिए, अरबों खरबों रुपया, खूब फर्स्ट क्लास घर बना लिए, सूरत में भी, मुंबई में भी, न्यूयॉर्क में भी, लंदन में भी, दिल्ली में भी, लेकिन वो हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं, उसको छोड़कर जाना है। करोड़ों रुपया का बैंक बैलेंस कर लिए, उससे कोई मतलब नहीं, सब छूटेगा, व्यर्थ। व्यर्थ है, हमारे काम का चीज़ नहीं है। यहाँ का कोई भी संग्रह हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम अप्राकृत तत्व हैं, प्राकृत नहीं है, बहुत कम दिन के लिए यहाँ है, इसलिए व्यर्थ है। और इसके बाद ब के बाद भ, हर क्षण भय लगा हुआ है। ठीक से शरीर का देखभाल नहीं करेंगे, मच्छर काट दिया तो मलेरिया टाइफाइड हो जाएगा। अभी भय है, बेटी सयानी हो गई, विवाह करना है, पैसा जुटाना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, कहीं जाते समय भय है क्या होगा आगे, रास्ते का सारा ठीक से टिकट बुकिंग होना चाहिए, खाने पीने का सारी व्यवस्था होनी चाहिए, आगे क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, रोग हो जाने पर कैसे काम चलेगा, पैसा चाहिए, भय बना रहता है भविष्य की। और लास्ट फाइनल है मृत्यु, म, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो इस जगत में प फ ब भ म लगा हुआ है, इसलिए इस जगत को पवर्ग भी कहते हैं। और एक इससे भिन्न जगत है जो जहाँ पवर्ग नहीं है, ये पांचों वहाँ काम नहीं करता। न तद्भाष्यते सूर्यो, न शशांको, न पावक, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहाँ सूर्य की अपेक्षा नहीं है कि सूर्य उगेंगे तब प्रकाश आएगा, वह लोक ही प्रकाशमान है। वहाँ चंद्रमा की अपेक्षा नहीं है, वहाँ कुकिंग करने की टेंशन नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है, न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, न पावक की, अग्नि की, वहाँ चूल्हा नहीं जलाना पड़ता। अच्छा, खाने पीने का जुगाड़ है, सब तरह से फिट, कोई कमाने का टेंशन नहीं, कुछ कुकिंग की जरूरत नहीं, दिव्य आनंद है। तब एक प्रश्न है कि कितने दिन का, कितने साल का वीजा मिलेगा, फिर आना पड़ेगा। कहते नहीं नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। एक बार वहाँ जाने के बाद लौटना नहीं है, केवल सुख ही सुख है, मृत्यु नहीं है। यह है अपवर्ग। तो अपवर्ग के विषय में जो चर्चा है उसको अपवर्ग बचो भी कहते हैं। अपवर्ग की वाणी से हमारा सिंचन कीजिए, हमको अपवर्ग की बातें सुनाइए, हे महानुभाव, हमारा विष उतर जाएगा, ये जो विष है उतर जाएगा।
व्यक्ति इस संसार में इसी रूप में पड़ा हुआ है। मुझे याद है बचपन में मैं जब छठवीं कक्षा में पढ़ता था, सिक्स क्लास में, तो मेरे सामने एक घटना घटी। जब स्कूल जा रहा था गांव से 3-4 किलोमीटर दूर, तो एक व्यक्ति को लोग लेकर आ रहे थे, उसको सांप काट दिया था। और हमारे ही परिवार में हमारे चाचा सर्प के विष उतारते थे, उनके पास बहुत जड़ी बूटी भी थी। उसको लोग पकड़े थे और वो इतना छटपटा रहा था, फह फह उसके मुंह से गाज निकल रहा था, सांप जैसा फुफकार मार रहा था। तो हम लोग स्कूल छोड़कर वो तमाशा देखने लगे, स्कूल गए ही नहीं। अब उसके साथ आए तो कुछ देर के बाद बतलाए कि इसको बहुत भयंकर विषधर सर्प काटा है, कुआं के पास ले चलो। तो कुआं के पास ले गए, कुछ जड़ी बूटी घिस कर उसको दिए, लेकिन वो तुरंत उल्टी कर दिया। उसको पिलाया गया गिलास में कुछ जड़ी, लेकिन वो पी नहीं पाया, हमेशा छटपटाता था, पानी पानी मांगता था, तो उल्टी कर दिया। फिर कहे कि अच्छा एक उपाय है, कुएं से पानी निकालो और इसके शरीर पर सिर पर कपड़ा रख कर पानी गिराओ। सुबह 9 बजे से 1:30-2 बजे तक पानी गिराया गया लगातार अनवरत, और कुएं का पानी अपने लेवल से 12-13 फीट नीचे चला गया, इतना पानी निकाला गया और उस पर गिराया गया। 1:30-2 बजे के बाद उसकी आँख खुली, होश में हुआ। तो मैं अपने जीवन में बचपन में अनुभव किया कि पानी गिराने से उसका विष उतर गया। जब विष उतर गया, होश में हुआ, तब एक जड़ी दिए थोड़ा सा, तो अब ठीक हो जाएगा। लगभग 2:30-3 बजे एकदम स्वस्थ हो गया और पैदल चलकर अपने गांव गया। तो यह है आँखों देखी घटना। तो विष उतारने के लिए सिंचन बहुत ज़रूरी है, अभिषेक। कदाचित किसी को विष सर्प काट दे और उसको नदी में फेंक दिया जाए मरा हुआ जानकर, तो पानी के प्रभाव से उसका विष उतर जाता है ठंडा में। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस बिल में अस्मिन बिले पतितम संपतितम सम्यक रूप से गिरा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तो उद्धव जी तो यह अनुभव कर रहे हैं कि हम प्राकृत जगत में गिर पड़े हैं, हमको अप्राकृत जगत में ले जाने के लिए समुचित अभिषेक की आवश्यकता है, हमारा उद्धार कीजिए, इसमें से निकालिए, हमारा विष उतारिए। तो हमें विचार करना चाहिए, क्या हमारा पोजीशन ऐसा है, हमारी मानसिकता है इस संसार से निकलने की। उसी समय लगभग 7वीं-6वीं कक्षा में एक मैं लेख पढ़ा था गीता प्रेस से, जो प्रकाशित पुस्तिका है कल्याण पत्रिका, तो उसमें भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का एक लेख था, चित्र के साथ, बड़े रंगीन चित्र के साथ। तो वह पत्रिका मैं बहुत समय तक रखा भी अपने पास, अब पता नहीं कहाँ है। तो जब मैं भक्त नहीं था, मिडिल स्कूल हाई स्कूल का विद्यार्थी था, तो उस लेख को पढ़ा और वो मुझको बहुत प्रभावित किया था। उस लेख में वर्णन था कि एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था, तब तक जंगल के एक हाथी उसका पीछा कर लिया, बहुत तेज दौड़ने लगा और वो बेचारा भयभीत होकर भागने लगा। भागते हुए किसी पेड़ पर चढ़ना चाहता था तो भयभीत हो जाता था कि पेड़ तो तोड़ देगा ये। भागते भागते एक बट वृक्ष मिला, बरगद का बहुत बड़ा पेड़, उस पर चढ़ना, फिर भी भयभीत था कि हो सकता है उसके तोड़ दे। तो उसी बट वृक्ष के नीचे एक कुआं था, कुआं सूखा कुआं, पानी नहीं था। उसमें देखा तो बट का जो जड़ था उस कुएं में लटका हुआ था, उस जड़ को पकड़ कर वो सोचा चलो अंदर चले जाते हैं, छोटा सा पतला कुआं है, इसमें हाथी नहीं आएगा। यह सोचकर वह जड़ पकड़ कर नीचे जाने लगा, तब तक वो हाथी आ गया वहाँ और नीचे सूंड लटका कर जिसको पकड़ा था उसको खींचने का कोशिश किया तोड़ने का, तब तक छोड़कर वो दूसरा पकड़ लिया नीचे वाला, तो उसे तोड़ दिया।
और तोड़ने के बाद वह जड़ नीचे गिरा। जब नीचे कुआं में गिरा तो उस सूखे कुएं में एक भयंकर काला सांप था। वह उससे डिस्टर्ब होकर उस गिरे हुए डाढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर आने लगा। नीचे सांप को देखकर भयभीत है, ऊपर हाथी को, और बीच में जिस डाली को पकड़ा था उसमें मधुमक्खी छाता लगाया था मधु का, और मधुमक्खी हिल गए छाता, सारे मधुमक्खियां कुएं में एकदम डिस्टर्ब हो गई, उसको डंक मारने लगी। अब बेचारा एकदम भयभीत हो गया, डंक भी मार रहे हैं, छोड़ भी नहीं सकता, नीचे सांप है, सांप अनवरत बढ़ रहा है ऊपर डाली पकड़कर, और ऊपर हाथी है, मधुमक्खियों का डंक है। भयभीत अवस्था में कभी हाथी को देखता है, कभी सांप को देखता है, भय से मुंह फटा हुआ है। उस छत्ते से हिलने के कारण कुछ मधु के बूंद टपकने लगे और अचानक एक बूंद उसके जीभ पर गिर पड़ा, बड़ा मधुर लगा। तो अब उस टपकते हुए हर एक बूंद को लेने का प्रयास करने लगा और बिल्कुल भूल गया कि ऊपर हाथी है, नीचे सांप है, मधुमक्खी भी डंक मार रहे हैं, और संयोग से जिस डाली को पकड़ा था उसको दो चूहे ऑलरेडी काट रहे थे। अब कुछ ही देर में आधा कट चुका था, अब वो कटने वाला था, लेकिन उस सबको भूलकर उस टपकते हुए बूंद के लिए मुंह बढ़ा रहा था, जीभ बढ़ा रहा था। भाई जी इस लेख को लिख कर कहते हैं, ठीक यही दशा हमारी है। हम इस अस्मिन बिलेस्मिन इस संसार रूपी बिल में गिरे हुए हैं। काल रूपी सर्प इंतजार कर रहा है कब दबोच लेगा। जब वो पकड़ता है, उसके रेंज में आते हैं, तो एम्स और अपोलो नहीं बचा पाता है। अब चाय चू करने में कोई दम नहीं, कोई मेढक अगर सांप के पकड़ में आ गया तो चिल्लाता है, उस चिल्लाने में कोई दम नहीं, पकड़ में आ गया तो ऐसे काल रूपी सर्प पकड़ रहा है। लेकिन छोटा सा तुच्छ सुखोर उतरसम, छोटा सा मैथुन सुख, स्त्री सुख के चक्कर में पड़कर सब भूल गए। संसार में थोड़ा सा मान, कोई माला डालने वाला है, हाँ हाँ अब क्या है, कोई जिंदाबाद बोलने वाला है, सब भूल गए, कोई प्रणाम कर दिया वह सब भूल गए। यह है संसार के छोटे छोटे सुख, सम्मान प्राप्त करने का सुख, स्त्री सुख और धन का सुख, कुछ चाट मसाला मिल गया चाटने को सुख, जीभ का सुख, आँख का सुख, कुछ फिल्म मिल गया, कुछ सीरियल चल रहा है उसको देखने का सुख। इससे हम शुद्ध सुखो रुतरसम, चाट चाटने से तृप्ति नहीं हुई, अभी सीरियल देखना बाकी है, उसको देखने से भी नहीं हुआ, हम गए और हमारे छोटे लोग हमको नमस्कार नहीं किए, ये दिक्कत है, देखो हमको प्रणाम नहीं किया, हम इतना सीनियर हैं, हमको प्रणाम करना चाहिए, इसका दुख अलग है, यह सुख है, यह छोटा छोटा सुख है। अगर कोई प्रणाम का, हाँ क्या कुछ हम हैं, लोग मुझको प्रणाम कर रहे हैं, इस फेरे में जीव परेशान है। शुद्ध सुखो रुतरसम, और ये तरास मिटता नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई प्रणाम कर दिया तो काम हो गया, अभी और कुछ बाकी है, चटका लग गया है तरास, शुद्ध सुखो रुतरसम। इस फेरे में व्यक्ति संसार के दुखों को भूल जाता है थोड़े देर के लिए, विचार ही नहीं करता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार हमेशा ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिए कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, बीमारी क्या है, बुढ़ापा क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब क्या है, क्यों हमारे ऊपर रोग आ रहे हैं, क्यों हम बुढ़ापा के दुख सह रहे हैं, और सब कुछ करने के बाद हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा, मृत्यु है। जो कम बुद्धि वाले हैं वो इस पर विचार नहीं करते, लेकिन बड़े बुद्धिमान लोग इस पर विचार करते हैं। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछते हैं, आमी केने अमार जारे तापत्र है, यहाँ ना ही जानी अमार के मोने हित है। महाप्रभु से पूछते हैं, हे प्रभु मैं कौन हूँ, आज तक आप ऐसा प्रश्न नहीं सुने होंगे, सभी लोग पूछते हैं आपका आईडी, आपका परिचय, आप कौन हैं, तो कहते हैं मैं
मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं सूरत का रहने वाला हूँ, मैं डायमंड फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, बहुत परिचय है। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं मुझे पता ही नहीं है के आमी, मैं कौन हूँ। अपने विषय में पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, और क्यों मुझको सताया जा रहा है, क्यों कभी बुखार, कभी जुखाम, कभी कुछ बीमारियां क्यों हो रही है, क्यों बुढ़ापा का दुख सहना पड़ रहा है, और क्यों हमको यहाँ से हटाया जाता है मृत्यु। इस विषय में जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा जानने की इच्छा होनी चाहिए, एक सब क्या है। भगवान कहते हैं इस पर विचार करो। जन्म, जन्म का मतलब कुछ काल पहले हम यहाँ नहीं थे, हम सूरत के निवासी नहीं थे, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले तब कहाँ थे पता नहीं, और जब यहाँ आए तो कैसे आए, डायरेक्ट यहाँ आ गए नहीं, माता के गर्भ से होकर आए हैं। इस संसार में आने के लिए हमारा भव्य रिसेप्शन हुआ है, 9 महीना स्वागत। कंजेस्टेड जगह में मल मूत्र के कीड़े की तरह असहाय अवस्था में माँ के गर्भ में हमारा स्वागत हुआ है। जब स्वागत रिसेप्शन इतना शानदार है तो आगे क्या होगा, विचार करना चाहिए ना। वहाँ हमारा कोई बस नहीं चलता, अगर माँ अपने जीभ के लोभ से कोई खट्टा तीता खा ली तो उससे बनने वाले रस उस कोमल शरीर को जलाता है, लेकिन माँ को मना नहीं कर सकता, अवस है, पूरा कंजेस्टेड है, गर्भ के झिल्ली में पड़ा हुआ, बंधा हुआ हाथ पैर बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, शरीर में कष्ट हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, इस असहाय अवस्था में रहते हैं। जन्म लेने के बाद रोटी चावल ये फल फ्रूट नहीं खा सकते, माँ के दूध पर डिपेंड है, माँ के स्तन में दूध नहीं है तो भूखे मरना पड़ता है, फिर कुछ पाउडर आदि खिलाकर किसी तरह पालन करती है। क्या असहाय अवस्था है। जन्म, जन्म के पहले हम यहाँ के नागरिक नहीं थे, ना हम भारतीय थे, न ही सूरत वाले थे, ना हम हिंदू थे, ना मुसलमान थे, आ ना हम सिख थे, न कुछ नहीं, कोई टाइटल नहीं, कोई उपाधि नहीं, यहाँ आकर दुनिया भर की उपाधि ले लिए हैं। जन्म क्या है, और इसके साथ मृत्यु, जिसको हम अपना समझ रहे हैं, जो अपने आईडी बनाए हैं और काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम काटना पड़ेगा, मकान से, जमीन से, जमींदार से, सबसे हटाना पड़ेगा, वो दूसरा उत्तराधिकारी आएगा, वो मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाएगा, मैं उनका बेटा हूँ, उनका सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। तो यह सब स्थिति है, वो चला गया, कहाँ गया पता नहीं, ये सब क्या है, क्यों इस तरह बेहोश हो, विचार करो। फिर बीमारियां हैं अनेक प्रकार की, और बुढ़ापा है, बुढ़ापा एक लंबी बीमारी है, घुटने में दर्द है, बैक पेन है, ठीक से पच नहीं रहा है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, चिल्लाना पड़ता है, क्या बोला सुनाई नहीं दे रहा है, सारी इंद्रियां काम करना छोड़ देती है, यह बुढ़ापा। तो इस पर विचार करना चाहिए, और जब इन सब बातों पर विचार किया जाता है तब व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है कि आखिर ये सब क्या है, क्यों हो रहा है। तो उस जिज्ञासा में भर कर तब वह किसी महापुरुष के पास, महानुभाव के पास जाता है और पूछता है, आप बताइए मैं कौन हूँ, इस संसार के दुख से कैसे निकल सकता हूँ, इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो दष्टम जन्म संपतितम बिलेस्मिन काला हिना क्षुद्र सुखोर उतरसम, काल रूपी सर्प के काटने से भोगों की सुख की तराश है, समुद्धरैनम कृपया पवर्गई, कृपा करके आप अपवर्ग के वाणी से मेरा सिंचन कीजिए, हे महानुभाव, यह प्रार्थना है। इस प्रकार विनीत भाव से हाथ जोड़कर सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक किसी महापुरुष से पूछना चाहिए। ये महापुरुष, महानुभाव, महात्मा, प्रभु, महाराज,
भगवान के नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, भगवान को महापुरुष कहते हैं, भगवान को महात्मा कहते हैं, सारे आत्माओं का परम आत्मा, भगवान को सर्व समर्थ प्रभु कहते हैं या विभु कहते हैं। या भगवान कहते हैं। लेकिन फिर प्रश्न है कि भक्तों को क्यों महात्मा कहते हैं, भगवान प्रभु महानुभाव महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा संबंध भगवान से है, भक्तों का संबंध भगवान से है, तो भगवान का तादात्म करके कह देते हैं। जैसे व्यवहार में हम कभी कभी रिक्शा वाले को बुलाते हैं, कहीं जाना होता है तो कहते हैं ओ रिक्शा इधर आओ, रिक्शा वाला कहते ही नहीं, और वो भी समझता है कि हमको बुला रहे हैं। तो रिक्शा के साथ रहते रहते रिक्शावान भी रिक्शा हो गया। वैसे उन महापुरुष के साथ, उस महात्मा के साथ रहते रहते भक्त भी महात्मा कहे जाते हैं, केवल व्यवहार में है, वास्तव में महात्मा नहीं है, न वो महापुरुष है और न वो प्रभु है, न महानुभाव है, केवल व्यवहार में। जैसे रिक्शावान को रिक्शा कहते हैं, वैसे तत्संबंधी वस्तुओं को भी भगवान या महात्मा कह दिया जाता है। बस इतना ही, इसको ठीक से समझना चाहिए। तो ऐसे महानुभाव के शरण में जो भगवान से कनेक्टेड है, और फिर केवल व्यवहार ही नहीं, वास्तव में भगवान की शक्ति उस महात्मा में आ जाती है, उस भक्त में आ जाता है। जैसे किसी शक्तिशाली चुंबक के संपर्क में रहने वाला लोहा चुंबक हो जाता है, एक लोहे का सीका चुंबक के पास ले जाइए, कुछ रेंज तक ले जाना पड़ेगा, और निकट आते ही वो खींच लेता है, और खींचते ही अपने अंदर सटा लेता है, और सटने के बाद वह लोहा भी चुंबक हो जाता है। अब दूसरा सीका उसके पास ले जाइए तो वो खींचने लगेगा। तो इसी प्रकार भगवान के संपर्क में आने वाला महापुरुष भी भगवान की शक्ति ग्रहण कर लेता है। मतलब क्या वह देखकर समुद्र खौला देगा, या गिरिराज उठा लेगा, या कालीय दमन करेगा, या जलता हुआ आग पी जाएगा, ये सब नहीं करेगा। भगवान की एक शक्ति महापुरुषों में उतरती है, वह है भगवान की कृपा शक्ति। भगवान जिस कृपा से जीव को स्वीकार करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, वह कृपा शक्ति भगवान के कनेक्शन में रहने के कारण भक्तों में भी आ जाती है। इसलिए भक्त को ही डिवाइन ग्रेस भी कहते हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, भगवान की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप श्रील प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद को कहा जाता है हिज डिवाइन ग्रेस या हिज ग्रेस, उनकी कृपा, उनकी कृपा की मूर्ति प्रतिमूर्ति है। तो ऐसे कृपा मूर्ति जब साधु पुरुषों में उतर कर आती है, तो वह दूसरे जीवों को भी कृष्ण के संबंध में ले जाने की क्षमता रखती है। इसलिए महापुरुषों को, भक्तों को भी महापुरुष, महात्मा, प्रभु और भगवान अनुचित नहीं है, उचित है, यथोचित है। तो ऐसे महापुरुष के शरणों में जाकर तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसे महात्मा के चरणों में जाकर विनीत भाव से उनको प्रसन्न करें, सेवा करें और आध्यात्मिक तत्व के विषय में जिज्ञासा करें, फिर वह महापुरुष कृष्ण तत्ववेता महापुरुष उपदेश करता है और कृष्ण की तरफ ले जाता है। इसी एकादश स्कंद में, 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में निमि महाराज के सभा में नव जोगेश्वर उपस्थित हैं। उनसे निमि महाराज एक एक प्रश्न किए हैं, बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है कि जीव का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, जिसको भागवत धर्म कहते हैं, जिस धर्म का आचरण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो क्या है। दूसरा प्रश्न है कि ऐसे भक्तों का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके स्तर का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि माया का क्या स्वरूप है जो जीवों को फंसा कर रखती है। और चौथा प्रश्न है इस दुस्तर माया से पार होने का क्या उपाय है, माया से तरने का क्या उपाय है। ऐसे ही आगे पांचवा प्रश्न है नारायण का क्या स्वरूप है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है।
फिर कर्म का क्या स्वरूप है, जो विविध प्रकार के कर्म और उसके रिजल्ट होते हैं। और ऐसे ही सातवां प्रश्न कि जो लोग भगवान से विमुख हैं उनके गति का वर्णन कीजिए, कृष्ण बहिर्मुख लोगों की गति। और आठवां प्रश्न है भगवान के विविध अवतारों का वर्णन कीजिए। और लास्ट में नौवां प्रश्न युग धर्म का वर्णन कीजिए। तो ये चौथा प्रश्न है माया से तरने का उपाय क्या है। महाराज निमि पूछते हैं यथैताम ऐश्वरी मायाम दुष्टराम कृतात्म भी तरंत्य अंज स्थूल धियो महर्षि इदम उच्यताम। हे महर्षि, हे महात्मागण, आप कृपा करके इस माया से तरने का उपाय बताइए, जो अत्यंत दुस्तर है। इस दुस्तर माया को आसानी से मोटे बुद्धि वाले भी पार कर जाएं, इसका उपाय बताइए। सूक्ष्म बुद्धि वाले तो पार कर जाएंगे, लेकिन स्थूल धियो का मतलब कम समझ में आने वाले, कम समझ वाले लोग भी माया को पार कर जाएं, बिना पढ़े लिखे लोग भी माया को पार कर जाएं, ऐसा उपाय बताइए। तब बताते हैं, क्या बताते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं जिसकी मैं चर्चा किया। कहते हैं कि कर्माणि आरभ्यमाणा नाम दुखहत्तई सुखाय च लेकिन पश्यत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम निर्णाम। कहते हैं देखो, इस संसार में सभी लोग कर्म करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं आरभ्यमाणा नाम, चाहे वो व्यापार चालू करें, दुकान चालू करें, खेती करें, या बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस चालू करें, सबका लक्ष्य दो होता है। सभी कर्मों का दो लक्ष्य है, पहला दुख की हत्या और सुख की प्राप्ति। जो हमारे सामने दुख आ रहे हैं उस दुख का नाश हो जाए और इसके साथ सुख प्राप्त हो जाए। लेकिन होता नहीं ऐसा है, चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी खेती कर लो, कोई व्यापार कर लो, दुख जाता ही नहीं। दुख के को मिटाने का स्ट्रगल केवल चलता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, विदुर जी प्रश्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुख के लिए लोग कर्म करते हैं, लेकिन सुख पता नहीं कहाँ है, दुख जाता ही नहीं। सुबह में भूख लग गया बहुत तेज, तो चलो दो चार रोटी खाकर भूख को शांत कर लिए, समस्या दूर नहीं हुई, कुछ घंटों के बाद फिर भूख लगेगा। एक बार रोटी खाने से काम नहीं चलेगा, तीन चार बार खाना पड़ेगा। तो ये रोटी खाना, रोटी जुटाना, ये दुख का समाधान नहीं है, ये केवल स्ट्रगल है। मलेरिया हो गई, बुखार हो गया, दो टैबलेट खा लिए, बुखार चला गया, फिर मच्छर काटेंगे, फिर बुखार होगा। जैसे किसी सरोवर में, गंदा सरोवर में काई हो जाता है, ब्रज में बहुत से पवित्र सरोवर हैं गंदे हैं, वहाँ थोड़ा डुबकी लगाना है तो काई हटाया जाता है, थोड़ा डुबकी लगा फिर आ जाता है, फिर हटाते हैं, फिर आता है, फिर हटाते हैं, फिर आता है, यही हो रहा है। दुख को हटाने का प्रयास करते हैं, फिर आ जाता है। सुख कहाँ है पता ही नहीं चलता। तो कर्माणि आरभ्यमाणा नाम दुखहत्तई सुखाय च पश्यत, देखे विचार करे पाक विपर्यासम, हमारे कर्मों का रिजल्ट उल्टा क्यों हो रहा है। हम चाहते हैं सुख, दुख जाता नहीं, वही आता रहता है। मिथुनी चारिणाम निर्णाम, एक दूसरे से मिलने वाले स्त्री और पुरुष यही प्लानिंग करते हैं कि यार बड़ा अकेले स्ट्रगल हो रहा है, विवाह कर लेते तो एक सहयोगिनी मिल जाती तो जीवन अच्छा से चलता। लेकिन विवाह करने वालों से पूछिए काम ठीक हो गया, कहे नहीं बाबा ये तो बहुत स्ट्रगल, आप ही लोग अच्छा हैं, जो लोग विवाह नहीं किए हैं वही अच्छा है। नया समस्या चालू हो जाता है, उसके लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, बेटा बेटी हुए, पढ़ाई लिखाई, नया टेंशन चालू, सुख खत्म ही नहीं हुआ, दुख का व्यापार चालू कर दिए, ज़्यादा दुख बढ़ गया। स्त्री सोचती है कि किसी अच्छे पुरुष से विवाह होकर समस्या दूर हो जाएगा, ना, उसकी समस्या ज्यों की त्यों है, वो तो मुझसे कम दूसरे से प्रेम करता है,
लो अब डाइवर्स का नतीजा आ जाता है, न स्त्री पुरुष से प्रसन्न है न पुरुष स्त्री से, तो फिर विवाह समाधान नहीं हुआ। केवल विवाह की बात नहीं है, इस संसार की कोई भी योजना ऐसे ही फेल करता है। मैं तो एक उदाहरण दिया, इसी प्रकार फेल करता है, कुछ नहीं होता। विपर्यासम, बहुत बड़ा विद्वान प्रबुद्ध जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं उल्टा होता है। मिथुनी चारिणाम निर्णाम, परस्पर संग सुख का आस्वादन करने वाले लोग अनुभव को विचार करना चाहिए कि इस व्यापार में सुख मिला कि नहीं। चलो एक फैक्ट्री से कुछ पैसा आ रहा है, उसको संभाल रहे हैं, थोड़ा पैसा ज़्यादा हो गया, दूसरा खोल लेते हैं, तीसरा खोल लेते हैं, तो विचार करें कि एक दिन सात सात आठ आठ घंटा निश्चिंत पेड़ के नीचे भी सो लेते थे, लेकिन आज सारी सुविधा के बाद टैबलेट खाकर सोना पड़ता है, दिन रात फोन अटेंड करना पड़ता है। सुख है कि दुख है? वो करोड़ों रुपया प्राप्त करके आपको सुख दिया कि दुख दिया? ज़्यादा बिजी लाइफ बना दिया, इस पर विचार कीजिए ना। जब कम पैसा मिलता था तो निश्चिंत सोते थे, निश्चिंत खाते थे, जो भी खाते थे वो अच्छा लगता था, भूख लगती थी, खाने में टेस्ट मिलता था। अब तो कुछ भी खाने में टेस्ट नहीं, इतना खाने को मिलता है कि भूख ही नहीं लगता। भूख लगाने के लिए अलग से खाना पड़ता है टैबलेट, और फिर खा लिए तो पचाने के लिए अलग से खाना पड़ता है। ये सुख है कि दुख है? कभी मजदूरी करते थे, खेती में काम करते थे, तो दिन रात भूख ही लगा रहता था। गन्ना के खेती में काम करने वाले को रोटी दीजिए, बेचारा वो काम करता है, उसे खाने को नहीं मिलता है, रोड पर मिट्टी फेंक रहा है, उसको खाने को नहीं मिलता। और जो लोग बैठे रहते हैं उसको इतना खाने को मिलता है कि वो न खा पाते हैं न पचा पाते हैं। एक समस्या, उसको समस्या है कि हमको खाने को नहीं मिल रहा है, इनको समस्या है कि हमसे पच नहीं रहा। कोई भी सुखी नहीं है, किसी भी स्तर में सुख नहीं है। तब तक पता चला कि अपना पार्टनर ही बेईमानी कर लिया, लाखों रुपया ले लिया नहीं दिया, इस उलझन में क्यों पड़े? अच्छा था ना, कम कमाए थे, कोई पार्टनरशिप नहीं था, कोई लूटने वाला नहीं था। गरीब आदमी निश्चिंत किवाड़ खोलकर सोता है, चोरों को भी पता है इसके पास कुछ नहीं है, निश्चिंत रहता है। जो भी मिलता है उसमें स्वाद मिलता है, खाने में कम टेंशन है। लेकिन हर जगह दुख है, हर अवस्था में दुख है, गरीबी में, धनी में, मान में, सम्मान में, कहीं भी। तो नित्य आर्त दे न बीते न, अगर एक धन को लिया जाए वो रोज रोज दुख देने वाला है। एक तो उसको प्राप्त करने में कठिनाई है, दुर्लभ है न आत्म मृत्यु न, एक तो कठिन है, अगर मिल भी गया तो आत्मा का मृत्यु ही है। ठीक से नींद नहीं लगता, जनरल में ट्रेवलिंग करने वाले लोगों को जो टिकट ही नहीं लिए हैं, विदाउट जा रहे हैं, उनको क्या टेंशन है। लेकिन जो रिजर्वेशन करा करके बहुत कीमती सामान अपने बैग में रखे हैं, उनको टेंशन है कोई बैग लेकर चला ना जाए, सो भी नहीं पाते हैं कायदा से, उनको बहुत झंझट है। इस तरह के समस्या दुर्लभ है, लेकिन मिल जाने पर आत्ममृत्युना, उसे फुर्सत नहीं है, मंदिर में आने का टाइम नहीं है। अगर ऐसे धनियों को आमंत्रित किया जाए, आप संडे को आइए, भर पेट भोजन मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा, दर्शन कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो और चिढ़ जाएंगे। हम खाने के लिए जाएंगे? हमारे घर नहीं है क्या? और गरीबों को, मजदूरों को ये सूचना दे दिया जाए कि सात दिन आपको दोनों टाइम फर्स्ट क्लास भोजन मिलेगा, कथा मिलेगी और रहने की भी व्यवस्था, तो कहे चलो यार सात दिन तो बिना कुछ किए खाने को मिलेगा, इस तरह से वो कथा में आ सकता है। तो यह है स्थिति। और यहाँ से कभी कभी यज्ञ करके स्वर्गादि लोग प्राप्त करते हैं, वहाँ सुख है, कहते ना एवं लोकम परम विद्याम नश्वरम कर्म निर्मितम, वह अपने पुण्य कर्म से बना है, स्वर्ग मिला है, और वहाँ भी सत्तुल्या
सतुल्यातिशय ध्वंस जथा मंडल वर्तिनाम। वहाँ भी एक दूसरे में होड़ है, स्पर्धा है, लड़ाई झगड़ा है और पूर्ण छीण होने के बाद आना पड़ता है। तो इस प्रकार पूरी स्थिति पर विचार करके ये संसार किस रूप में है पूरा विचार करके तब गुरु के पास आना चाहिए। तस्मात गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा को लेकर गुरु के पास आना चाहिए। उत्तम श्रेय यानी भगवत प्राप्ति, स्पिरिचुअल जगत के सुख के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए गुरु के पास आना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, आ तब वह गुरु उसको उत्तम श्रेय की ज्ञान देता है। अशाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणी उपसमाश्रयम, एक ही श्लोक में शिष्य का लक्षण और गुरु का लक्षण बता दिए। शिष्य की योग्यता है कि संसार को पूरा विचार कर ले, यहाँ का हर व्यापार है, हर बिजनेस, हर व्यक्ति का व्यवहार केवल दुख देने वाला है, सुख देने वाला नहीं है, पूरा पूरा कन्फर्म कर ले तब गुरु के पास आवे। और उत्तम श्रेय की जिज्ञासा लेकर आवे। अगर वह संसारिक सुख के अधकचरा जिज्ञासु है तब गुरु शिष्य में मेल नहीं धरेगा। गुरु आध्यात्मिक बातें करेगा, वो संसारिक बातें करेगा, अधकचरा है। हो सकता है गुरु से पूछ ले, गुरु जी आप सब जगह घूमते हैं, हमारे लिए कोई लड़की देख लीजिए ना, आपका कई लोगों से संबंध है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। चलो यह थोड़ा भद्दा शब्द है, लेकिन गृहस्थ है, काम धंधा करना पड़ता है, पैसे के लिए कहा गुरुजी आप चाहेंगे तो हमारा अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, थोड़ा पैरवी कर दीजिए ना, हम अमेरिका में डॉलर कमा लेंगे अपने बच्चों के लिए। यह बेमेल समस्या है। गुरु स्पिरिचुअल जगत की बातें सुनना चाहता है, करना चाहता है, और शिष्य संसारिक बातें करता है। शिष्य संसारिक मान प्रतिष्ठा चाहता है और गुरु उसको त्रिणादपि का उपदेश कर रहे हैं, कहाँ मेल है बतलाइए। बेटा थूक देने पर भी सह लेना चाहिए, कोई गाली दे दे तो सह लेना चाहिए, कोई मार दे तो उसे सह लेना चाहिए। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं और शिष्य को सम्मान चाहिए, ये सब समस्या है, ये बेमेल संयोग है, इसलिए बड़ा डिस्टर्ब होता है। इसलिए एक स्तर पर होना चाहिए, आध्यात्मिक श्रेय की जिज्ञासा मन में होनी चाहिए। हमारी भक्ति कैसे बढ़ सकती है, अधिक से अधिक हम कैसे जप कर सकते हैं, हमारे जप में प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे करें, तो गुरु बताते हैं ठीक से जप करो। जप ठीक से नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, उच्चारण करते रहो, उच्चारण करते 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 जिह्वा शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा, मन लगने लगेगा। एक व्यक्ति मुझसे जिहू में प्रश्न किया था एक बार सुबह के क्लास में कि जप में मन नहीं लगता है तो जप करने का मन नहीं करता है, ठीक से मन नहीं लगता है तो क्या जप करें, नाम अपराध होता है। तो मैं उनका उत्तर दिया, लेकिन पहला वाक्य यह था कि जप को छोड़ देने से मन लग जाएगा क्या, जप करने में मन नहीं लगता है तो नहीं जप कर पाते हैं, नहीं करता हूँ, तो उस माला को रख देने पर अपने आप मन लग जाएगा क्या। कभी बंगाली उड़िया और आंध्रा के लोगों को भात बहुत अच्छा लगता है, वो एक दिन में भात खाना सीखे हैं, या पश्चिम में रहने वाले पंजाब हरियाणा राजस्थान के लोगों को रोटी बहुत प्रिय है तो एक दिन में रोटी सीखे हैं। प्रथम बार जब माँ अपने स्तन के दूध के अतिरिक्त रोटी खिलाना प्रारंभ की, लिक्विड बनाकर दूध में मिलाकर, तो बच्चे उल्टी कर देते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, रोने लगते हैं। उनको ज़बरदस्ती चम्मच से खिलाती है, कभी कभी तमाचा लगाकर भी खिलाती है, वो जानती है कि मेरा दूध परमानेंट नहीं है, इसको रोटी खाना पड़ेगा, चावल खाना पड़ेगा, तो खिलाती है, मन नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता है। उसका फेवरेट आइटम तो माँ के स्तन का दूध है, लेकिन माँ जानती है कि दूध सूखने वाला है, अब मिलेगा नहीं इसको, तो भात खिलाती है। भात खाते खाते बिना भात के उसको अच्छा ही नहीं लगता है, भात भात अभी बना नहीं है तभी चला जाता है किचन में। और माँ कहती रुको, भक्तों के घर की स्थिति देखा हूँ, रुको बन गया तो कहते दो ना, नहीं भोग लगाना है,
तब वो तुलसी पत्र पानी लाकर देने लगता है, जल्दी भोग लगा। कभी कभी छोटे बच्चों को मैं देखा हूँ तुलसी पत्र तोड़कर पूरा स्टॉक में ही डाल देते हैं, दे भोग लग गया। वो इतना खाने के लिए त्वरा दिखाते हैं। तो एक दिन में नहीं हुआ है, इसको बार 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 अभ्यास करने के बाद वो फेवरेट हुआ है। उसी प्रकार नाम जपते 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 जब वो जिह्वा के सुख का विषय हो जाएगा, मन उसमें रमने लगेगा, तब हो गया काम, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हो गई। तो इस प्रकार संसारिक दुखों की अनुभूति करके व्यक्ति को गुरु के शरण में आना चाहिए। और वहाँ जाकर तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत, वहाँ पर अपने संबंध को भगवान से जो हमारा कर्तव्य है उसको सीखे। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, एक श्लोक में नहीं है, कई श्लोकों में है। अपने मन को असंग करना सीखे, संसार में न रमे, वो साधुओं से संबंध सीखे, दया करना सीखे, मैत्री सीखे, प्रसयम च भूते स्व यथोचितम, लोगों से उचित व्यवहार करना सीखे, दया अपने छोटे दीनहीनों के प्रति, दया समान लोगों के प्रति, मैत्री अपने से बड़े लोग बड़े के प्रति, विनम्रता, ये सब शिक्षा लिया जाता है। और शौचम तपः तितिक्षाम च मौनम स्वाध्याय, एकादश स्कंद के तीसरे अध्याय में ये सब कथाएं हैं, इसको पढ़ लेना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, मैं केवल हिंट कर रहा हूँ। और सब कुछ व्यवहारिक बात सीखने के बाद परस्परानुकथनम पावनम भगवत जस और श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणम, दो प्रकार के प्रवृत्ति है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। तो बहिरंग प्रवृत्ति को पहले शिक्षा ले ले व्यवहार, फिर अंतरंग प्रवृत्ति उसके अंदर होना चाहिए कि भगवान के अद्भुत चरित्र को सुने, बोले और स्मरण करे। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, सुने बोले और अनुचिंतन करे, तब हरेर अद्भुत कर्म, भगवान श्री हरि के अद्भुत अलौकिक कर्म को। और जब इन कर्मों को करता है तब इस माया से निकलकर भगवान को प्राप्त करता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं विवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुना। वह फिर संसार में नहीं आता, तब कहाँ जाता है, मामेति, मेरे पास आता है। माया उसको छोड़ देती है। भगवान कहते हैं माया बड़ा दुष्टर है, लेकिन मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, माया इस उसको छोड़ देती है जो मेरे शरण में आता है। तब वह भगवान के विषय में सुनता है, बोलता है, दूसरे को सुनाता है। परस्परानुकथनम पावनम भगवत जस, स्मरणतः वह स्वयं स्मरण करता है, स्मरांतश्च दूसरे को स्मरण कराता है। मिथो औघ हरम हरि भक्त्या संजतया भक्त्या बिभ्रत पुलका पुलकाम तनु, वह भगवान के कथा कीर्तन को सुनकर अनुभव करके हमेशा पुलकित रहता है, असात्विक विकार होते हैं। इस प्रकार से उपदेश करते हुए लास्ट में कहते हैं, इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परोमायम अंजस्तरति दुस्तरम। इस प्रकार जो व्यक्ति भागवत धर्म का आचरण करता है, भगवान के विषय में कहता है, सुनता है, बोलता है, स्मरण करता है, दूसरे को सिखाता है अपने आचरण से, तो भक्ति का विकास होता है और फिर वह नारायण का परायण हो जाता है और माया आसानी से छूट जाती है, माया से पार हो जाता है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि हमारे अंदर की सारे कमी खत्म हो जाएंगे तब हम भजन करेंगे, एक कमी तो रहेगा। जैसे खाली बोतल में अगर आप पानी भरना चाहें तो खाली नहीं है, उसमें हवा है। अगर कोई कहे कि हवा को भी निकालो तब पानी भरो, ऐसा नहीं होता है। बॉकेट के पानी में बोतल को डुबाइए, पानी भरना चालू होगा और हवा भी बुलबुली के साथ निकलना प्रारंभ होगा, धीरे धीरे पानी भर जाएगा और हवा समाप्त। वैसे ही जैसे जैसे आप आध्यात्मिक वातावरण को स्वीकार करेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान के नाम बोलेंगे, तो हमारी संसार की वासना धीरे धीरे निकल जाएगी। एक दिन ऐसा नहीं होगा पूरा पूरा निकल गया तब भजन करेंगे,
ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे भजन करेंगे और वो निकलता जाएगा। मंदिर अच्छा लगेगा, भक्त संग अच्छा लगेगा, भागवत की कथाएं अच्छी लगेंगी, भगवान की सेवा अच्छा लगेगा और फिर संसार का वातावरण बुरा लगने लगेगा। फिर फिल्म देखना, सीरियल देखना और चाट चाटना सब खत्म, और प्रसाद खाने का मन करेगा। ये स्वाभाविक अपने आप हो जाएगा, इसलिए इसको स्वीकार कीजिए और अपना जीवन अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।